नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन ऑफ डिग्री, चाहे वो DU नॉन SOL की हो या NCVAP, या SOL स्टूडेंट्स की हो या मेडिकल स्टूडेंट या LLB। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको गूगल पे exam.du.ac.in टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्विसेज पे आना है। सर्विसेज में आके आप देखेंगे यहाँ पे कि अटेस्टेशन ऑफ डिग्री, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस लिखी है आपकी, जैसे MB की आपको फाइल डालनी है, KB में फाइल डालनी है, को किस फॉर्मेट में डालनी है आपको। और आप ये भी देख पाएंगे 500 रुपीज़ आपको पे करने हैं ईच कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको, जैसे कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं तो आपको इसका चार्ज देना होगा 1000 रुपीज़। आप इसको एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। जब आप मेल आईडी डालें तो आप ये चेक कर लें कि यहाँ पे आपका मेल आईडी सेम है नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही आप डालते हैं तो फर्स्ट में, जैसे आप मोबाइल से आप कर रहे हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल में आता है, तो इसको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इससे फिर मेल आपके पास नहीं आएगा, कन्फर्मेशन मेल। यहाँ पे आप पासवर्ड बनाइए अपना। पासवर्ड बनाने के बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, मैंने कर पहले कर रखा है रजिस्टर, आपको रजिस्टर के बाद ये सब दिखेगा, जैसे यू हैव सक्सेसफुल सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वी हैव सेंड ए वेरिफिकेशन, द ईमेल एड्रेस यू हैड रजिस्टर्ड। मैंने इसी sampoornjnan1@gmail.com से करा था। उसके बाद मेरे को एक इनबॉक्स में मेल रिसीव हुआ। अगर आपको इनबॉक्स में नहीं है तो आप स्पैम बॉक्स में चेक करें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मेल आईडी पे, ये रहा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। इस तरीके से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक मेल रिसीव होगा। आपको करना है क्लिक हेयर टू कन्फर्म। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे दिखा आएगा सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन, प्लीज़ लॉग इन स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। सक्सेसफुली के बाद आपका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालिए जिसको आपने रजिस्टर करा है, यहाँ अपना पासवर्ड डालिए, यहाँ पे कैप्चा, यहाँ लॉगिन करें आप। लॉगिन करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप पूरी इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लें। आप यहाँ पे अप्लाई पे आएं। अप्लाई के बाद आप देखेंगे, पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद, जैसे एनरोलमेंट नंबर आप पूरा लिखें, अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद अपनी फ़ोटो डालें और जोन सा सर्टिफिकेट आपको अटेस्ट करना है, ये देखिए सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड, आप उसको यहाँ पे डालें। डालने के बाद अपनी इमेज डालें, यहाँ पे सिग्नेचर डालें, उसके बाद अपनी पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आप जैसे ही पी फी करेंगे, आपको पेमेंट पेटीएम गेटवे पे ले जाएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको एक आपके मेल पे एक स्लिप आएगी। स्लिप को डाउनलोड कर ले और इसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट के साथ साथ आप अपने जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी डिग्री अटैच करी है तो उसका भी प्रिंट लें। और 7 वर्किंग डेज़ के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ब्रांच की विंडो नंबर 4 से अपना डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको 7 दिनों बाद विंडो नंबर 4 से नहीं प्राप्त होता, तब एग्जामिनेशन ब्रांच की डिग्री सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।